तो अब हम एक नया चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 कंटिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3 और एक्स इज इक्वल टू 5 पर। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड है, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर एफ ऑफ किसी भी पॉइंट पे, जैसे अगर हमें जीरो पर प्रूफ करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फंक्शन का वैल्यू जीरो माइनस पर, फंक्शन का वैल्यू जीरो से जस्ट थोड़े बड़े वैल्यू पर, यानी एफ ऑफ जीरो प्लस, जीरो प्लस एच हम कह सकते हैं, यहाँ पर एच बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू है, वो बराबर हो एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की जीरो पर और फंक्शन डिफाइंड हो दोनों साइड। तो अगर 5x-3 है, तो इसमें अगर हम f का वैल्यू 0 माइनस पुट करें या 0 प्लस या फिर 0, तो हम देख सकते हैं f का वैल्यू मिल जाएगा f ऑफ 0 -3 के बराबर। और सेम अप्लाइज फॉर x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5, उसका वैल्यू वहां पर अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, फुल्ली डिफाइंड है। जैसे f ऑफ -3 हम देख सकते हैं 5 × -3 -3 है, या फिर -15 -3 -18 के बराबर है, और ये वैल्यू डिफाइंड है, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और f ऑफ 5 हम देख सकते हैं 5x-3 यानी 5 × 5 -3 अगेन 25 -3 यानी 22 के बराबर है। और एक दूसरा भी हो सकता है हमारे अप्रोच करने का, या फिर हम जस्ट थ्योरम वाइज बढ़ सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये हर एक सारा पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, और हम देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा। या फिर एक अल्टरनेटिव मेथड हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हम इस स्ट्रेट लाइन का देख सकते हैं, हम कि ये जो फंक्शन है f(x) = 5x-3 की स्ट्रेट लाइन है, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो 5x-3 किसी दो पॉइंट को अगर हम ढूंढ लें जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो हम उस दो पॉइंट की मदद से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम x 0 पुट करते हैं, तो y हम देख सकते हैं -3 हो जाएगा। और अब अगर x हम दूसरा पॉइंट 5 ही ले लेते हैं, x 5, तो y का वैल्यू हम देख सकते हैं 22 है। तो अगर x -3 कुछ यहाँ पर है, y और y 22 यहाँ पर है, और x यहाँ पर 0, यानी ये एक ये पॉइंट हो गया और एक x 5 यहाँ हम ज़ूम कर लेते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स के बीच से पास करेगी। और हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा इस स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि जस्ट ये एक स्ट्रेट लाइन है। और अब अगर हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर, या फिर x इज इक्वल टू -3 पर, या फिर x इज इक्वल टू 5 पर, तो हम देख सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं लग रहा है, यानी कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के ग्राफ में नहीं आ रही है, तो इस ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x²-1, और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम f ऑफ 3 कैलकुलेट कर लेंगे, तो f ऑफ 3 जस्ट 2 × 3 का स्क्वायर, हम यहाँ पर फंक्शन में x के बदले 3 पुट करेंगे, -1, तो 3² 9, 9 × 2 18, और 18 - 1 17 के बराबर हो जाएगा। और अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है। तो अगर ये फंक्शन है 2x²-1, तो हम देख सकते हैं कि अगर लिमिट x टेंड करेगा 3 पर एफ ऑफ एक्स, तो अगेन वो 2 × 3² - 1 के ही बराबर होगा, यानी 17 के। तो हम देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 3 के बराबर है, और वहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफाइंड है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 3 पर। या फिर जो हम थ्योरम जानते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो डायरेक्ट उस रिजल्ट से भी हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स 2x²-1 हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और तो x इक्वल टू 3 भी उसी पॉइंट्स में से एक है, तो x इक्वल टू 3 पर भी ये कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो गिवन फंक्शन है उसे एग्जामिन करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट पार्ट में, वो है x-5। हम पहले भी देख चुके हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना चाहें, तो अगर x 0 है तो y -5 होगा, और अगर y 0 है तो x +5 होगा, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। तो अगेन हम देख सकते हैं ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू R। और अब हम
सेकेंड फंक्शन देखते हैं. सेकेंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई और एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई. तो इस फंक्शन को हम देख सकते हैं कि 1 बाई एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है. तो 1 बाई या फिर हम इसे जी ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं. जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव अगर हम एज्यूम कर लें. तो अभी हमने चेक किया कि एफ ऑफ एक्स जब एक्स माइनस फाइव था तो वो कंटिन्यूस हो रहा है ऑल आर के लिए या फिर सारे रियल वैल्यूज के लिए. तो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन हमने एज्यूम किया एक्स माइनस फाइव वो भी कंटिन्यूस होगा ऑल एक्स के लिए. लेकिन हमें वन बाई जी एक्स चेक करना है. और हम देख सकते हैं कि अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है और उसका वैल्यू डिफाइंड है तो वन बाई जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा. लेकिन अगर जी एक्स जीरो हो जाता है, जी एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स का वैल्यू कहीं पर जीरो हो जाता है, तो भी हम देख सकते हैं 1 बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा और वहां पर फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. तो अगर जी एक्स जीरो है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, एल्स वेयर कंटिन्यूस होगा और सभी जगह पर कंटिन्यूस होगा. तो जी एक्स जीरो होने का मतलब एक्स माइनस फाइव जीरो हो रहा है और एक्स माइनस फाइव जीरो का मतलब कि एक्स फाइव के बराबर है. लेकिन फंक्शन के डोमेन के डिफिनेशन में भी है, हमें यह पता है कि एक्स फाइव के इक्वल नहीं है. एक्स और वैल्यूज ले रहा है लेकिन एक्स फाइव के इक्वल नहीं है. तो एक्स इज इक्वल टू फाइव पर ये डिफाइंड नहीं हो रहा है. और अब अगर x 5 के इक्वल नहीं है और सभी वैल्यूज ले रहा है तो बाकी सभी वैल्यूज पर 1 बाई जी एक्स डिफाइंड कंटिन्यूस है. और अब थर्ड फंक्शन देखते हैं. थर्ड फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 और x नॉट इक्वल्स टू माइनस 5. तो ये डोमेन के डिफिनेशन में, यानी हमें पता है कि x माइनस फाइव के बराबर नहीं है. तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम x माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव लिख सकते हैं. हमने जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा और अब x माइनस फाइव के बराबर नहीं है. तो ये x प्लस फाइव जीरो नहीं है, कोई और क्वांटिटी है. तो इसे हम आसानी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं. तो अगेन जो फंक्शन हमारे पास बचता है वो x माइनस फाइव है. और हमने देखा कि x माइनस फाइव सारे वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है, x की सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है. तो ये फंक्शन भी सभी x की सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट माइनस फाइव. और यहाँ पर डोमेन के डिफिनेशन में अगर माइनस फाइव के बराबर नहीं है x, तो हमें उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना है, जस्ट ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. और अब जो फोर्थ फंक्शन है वो है मॉड ऑफ x माइनस फाइव. एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस फाइव. अगेन इस क्वेश्चन को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं. एक जब x लेस देन 5 है तो उसके लिए फंक्शन लिखेंगे, वो माइनस ऑफ x माइनस 5 हो जाएगा. और दूसरा x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है, ये x लेस देन 5 के लिए बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड और ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के लिए. और हम देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है और x इज इक्वल टू 5 पर भी दोनों का वैल्यू 0 है, तो वहां पर भी कंटिन्यूस है. या फिर हम ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं. मॉड एक्स हम जानते हैं इस तरह का ग्राफ होता है जो ओरिजिन पर इस तरह से डाइवर्ट करेगा. ये जो पार्ट है इसका जस्ट हम पॉजिटिव मिरर इमेज ले लेते हैं इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अबाउट. तो एक्स माइनस फाइव का मॉड अगर हम ले रहे हैं तो वो जस्ट 5 यूनिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. तो अगर हम इसे इस कलर से ड्रॉ करें तो ये इस तरह का ग्राफ कुछ दिखेगा जो यहाँ पर 5 पर कट करेगा इस एक्सिस को और फिर इस तरह से चला जाएगा. तो हम देख सकते हैं ये यहाँ पर वैल्यू जीरो हो रहा है और हर एक जगह पर कंटिन्यूस है, कहीं पर भी इस ग्राफ में ब्रेक नहीं लग रहा है. तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में मैं प्रूव करना है कि फंक्शन x टू द पावर n कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू n, देयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर. तो अब अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो x टू द पावर n एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होता है. तो x इज इक्वल टू n पर भी ये कंटिन्यूस होगा. या फिर n पॉजिटिव इंटीजर है. एक जो दूसरा तरीका है वो कि हम लिमिट पुट करते हैं x टेंड्स टू n और f ऑफ x का वैल्यू निकालते हैं. तो अगर x टेंड्स करेगा n की तरफ तो f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x n टू द पावर n के बराबर. और हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू डिफाइंड है या फिर x f ऑफ x x इज इक्वल टू n पे डिफाइंड है और वो वैल्यू n टू द पावर n हो जाएगा. और हम f ऑफ n भी निकाल सकते हैं, वो भी n पे पावर n के बराबर हो जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू द पावर n f ऑफ x डिफाइंड है और बराबर है f ऑफ n के. तो ये फंक्शन
एक्स टू द पावर एन एक्स इज इक्वल टू एन पर कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास एक फंक्शन है एफ और इसे हम डिफाइंड कर रहे हैं, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन है और इक्वल्स टू फाइव अगर एक्स ग्रेटर देन वन है। और अब हमें बताना है कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू टू पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो एक अगेन इस क्वेश्चन को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए काफ़ी अप्रोच हो सकता है। जो मेरा अप्रोच इस क्वेश्चन में होगा वो ग्राफ के थ्रू, क्योंकि जो दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हम जानते हैं जस्ट वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जिस वैल्यू तक भी एक्स लेस देन वन के लिए वहां तक हम ड्रॉ करेंगे, और एक्स इज इक्वल टू फाइव कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ है जहाँ पे वाई एक कॉन्स्टेंट फंक्शन अचीव करेगा कुछ दूर तक के लिए एक्स के कुछ वैल्यूज के लिए। तो ये ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद हम क्लियरली देख सकते हैं कि कर्व में ब्रेक लग रहा है कि नहीं। अगर ब्रेक हो रहा होगा, कर्व डिसकंटिन्यूस हो रहा होगा, तो फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर ब्रेक नहीं लग रहा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो पहले हम एक्स प्लॉट कर लेते हैं। एक्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स हम एज्यूम कर लेते हैं वन है और यहाँ पर टू है और इसके आगे वैल्यू जा रही है। और एक्स हम देख सकते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू वन के लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेस देन इक्वल्स टू वन के लिए यानी वन इंक्लूडेड एक्स है। और अगर एक्स और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं वाई फाइव है, अगेन एक्स और वाई अलग अलग स्केल पर है, क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पर वाई वन है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन के लिए यानी वन इंक्लूडेड। तो एक्स इज इक्वल टू वन पर वाई इज इक्वल टू एक्स यानी वाई वन के बराबर, तो ये पॉइंट से पास करेगा और ओरिजिन से पास करेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स एक्स इज इक्वल टू वन तक के लिए ही है। x जैसे ही वन से ज्यादा होगा y का वैल्यू फाइव हो जाएगा। हम देख सकते हैं फंक्शन हम इसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो y का वैल्यू अब यहाँ पर फाइव हो जाएगा और फाइव ये नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और उसके बाद फाइव रहेगा यानी कॉन्स्टेंट रहेगा x ग्रेटर देन वन के लिए। तो अब हम ग्राफ आसानी से आप समझ सकते हैं, जस्ट इसमें कुछ भी टफ ग्राफ नहीं है। एक सिंपल y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और दूसरा एक्स y इज इक्वल टू फाइव कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस है, जीरो पर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स है, जीरो माइनस में भी जीरो प्लस में भी, और वो कंटिन्यूस है ओरिजिन पर कंटिन्यूस है। तो x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब x इज इक्वल टू वन पर अगर हम चेक करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वन पर ब्रेक लग रहा है, फंक्शन जंप कर रहा है y इज इक्वल टू वन वैल्यू से y इज इक्वल टू फाइव पर। यहाँ पर फंक्शन हम क्लियरली देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस है, तो x इज इक्वल टू वन पर डिसकंटिन्यूस है। अगेन x इज इक्वल टू टू पर फंक्शन फाइव वैल्यू एज्यूम किए हुआ है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और टू माइनस में भी और टू प्लस में भी यानी टू से जस्ट पहले और टू से जस्ट बाद भी वैल्यू फाइव है और जस्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन हम देख सकते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो जीरो पर कंटिन्यूस, वन पर डिसकंटिन्यूस और अगेन टू पर कंटिन्यूस है फंक्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका हमें ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, यानी कौन कौन से पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, टू एक्स प्लस थ्री अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू टू है और टू एक्स माइनस थ्री अगर एक्स ग्रेटर देन टू है। तो एक काम कर सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन है दोनों के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू टू के लिए टू एक्स प्लस थ्री एक स्ट्रेट लाइन है, तो माइनस इन्फिनिटी से टू तक ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, नॉट इंक्लूडिंग टू जस्ट टू से पहले तक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फंक्शन है टू एक्स प्लस थ्री, पॉलिनोमियल फंक्शन स्ट्रेट लाइन है, हर जगह कंटिन्यूस होगा। उसी तरह टू के बाद टू से लेकर इन्फिनिटी तक जो फंक्शन है टू एक्स माइनस थ्री, अगेन वो स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, तो वहां पर भी कंटिन्यूस होगा ये फंक्शन, 2x माइनस थ्री भी कंटिन्यूस होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन 2 पर हम देख सकते हैं। तो हम अब वहीं पर वैल्यूज चेक करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो हर जगह कंटिन्यूस है तो बस हम वहीं पर वैल्यूज चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी का, वहीं पर डिसकंटिन्यूटी लाई कर सकती है जहां पर फंक्शन चेंज कर रहा है। क्योंकि अगर फंक्शन सेम है स्ट्रेट लाइन, तो किसी उसके माइनस इन्फिनिटी से 2 में किसी भी पॉइंट पर चेक करने का कोई फायदा नहीं है, फंक्शन वहां पर कंटिन्यूस होगा क्योंकि पॉलीनोमियल फंक्शन है। तो अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो हर जगह कंटिन्यूस है और दो या तीन ऐसा फंक्शन है, तो बस वहीं पर डिसकंटिन्यूटी लाई कर सकती है जहां पर फंक्शन चेंज कर रहा है। तो हम टू पर चेक करते हैं, तो पहले f ऑफ टू अगर हम चेक करें तो f ऑफ टू x इज इक्वल टू टू पे टू एक्स प्लस थ्री के बराबर है, यानी टू इंटू टू प्लस थ्री देख सकते हैं सेवन के बराबर है। और अब अगर हमें लिमिट निकालना हो x टेंड्स टू टू f ऑफ x, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे क्योंकि हम देख सकते हैं फंक्शन दोनों अलग अलग हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालें यानी
एफ ऑफ टू माइनस, या फिर एफ ऑफ टू माइनस एच हम लिख सकते हैं, जहां पर एच इनफाइनाइटेशनली स्मॉल क्वांटिटी है। तो एफ ऑफ टू माइनस एच अगर टू से हल्का सा भी छोटा है तो फंक्शन टू एक्स प्लस थ्री होगा, तो अगेन टू इंटू टू एच लिख सकते हैं, जो लिमिट, एटलीस्ट लिमिट के आइडिया से तो आप कंफर्टेबल होंगे जो इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है हमने। तो टू इंटू टू माइनस एच प्लस थ्री, तो ये फोर सेवन माइनस टू एच हो जाएगा, और एच टेंडिंग टू जीरो है तो ये सेवन के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह अब अगर हमें एफ ऑफ टू प्लस एच निकालना हो, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ टू प्लस एच, तो हम देख सकते हैं ये टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, यानी टू इंटू टू प्लस एच माइनस थ्री, या फिर फोर माइनस थ्री प्लस टू एच, और इसे हम वन प्लस टू एच लिख सकते हैं। अगेन एच टेंडिंग टू जीरो है तो ये वैल्यू वन के बराबर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट सेवन के बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट वन के बराबर है, तो इसका मतलब लिमिट इस फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू टू डिफाइंड नहीं है। तो जब लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ही नहीं है तो ये एफ ऑफ टू के बराबर हो ही नहीं सकता, ये नॉट डिफाइंड है अनडिफाइंड, और ये सेवन के बराबर है तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू टू पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में बस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री, अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस थ्री है, माइनस टू एक्स अगर एक्स माइनस थ्री से थ्री के बीच में है, और सिक्स एक्स प्लस टू अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री है। तो हम देख सकते हैं एक मॉड x प्लस थ्री फंक्शन है और दोनों बाकी पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, तो ये तीनों फंक्शन अपने डोमेन में एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो अगर हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढना है f का, तो जस्ट वो पॉइंट्स देखना होगा जहां पर फंक्शन चेंज कर रहा है, यानी माइनस थ्री पर और थ्री पर। तो अब अगर हम माइनस थ्री पर देखें, तो अब हम जस्ट अगर हम थ्री माइनस एच लिखें तो हम समझ सकते हैं कि हमें थ्री से जस्ट सॉरी माइनस थ्री माइनस एच, हम पहले माइनस थ्री पे चेक कर रहे हैं, तो माइनस थ्री से जस्ट पहले का वैल्यू चाहिए। तो माइनस थ्री से जस्ट, ये तो हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी लिमिट सच दैट हम लेफ्ट हैंड साइड से माइनस थ्री पर आ रहे हैं। तो माइनस थ्री से जस्ट पहले अगर हमें निकालना हो, तो माइनस थ्री से जस्ट पहले ये फंक्शन होगा मॉड एक्स प्लस थ्री, तो मॉड एक्स प्लस थ्री, और माइनस थ्री माइनस एच को हम माइनस थ्री से डिनोट कर सकते हैं, तो माइनस थ्री का मॉड प्लस थ्री, हम देख सकते हैं ये माइनस थ्री का मॉड थ्री हो जाएगा, और थ्री प्लस थ्री सिक्स के बराबर है। और अब अगर हम फंक्शन का वैल्यू निकालें माइनस थ्री पर, तो अगेन हम देख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू माइनस थ्री पर इज इक्वल टू माइनस थ्री, मॉड एक्स प्लस थ्री ही होगा, और मॉड एक्स प्लस थ्री अभी हमने देखा सिक्स के बराबर है। और अब अगर हम राइट हैंड लिमिट लें माइनस थ्री प्लस एच, हम देख सकते हैं ये माइनस टू एक्स के बराबर है, जहां पर एक्स माइनस थ्री प्लस एच है, अगेन हम इसे माइनस थ्री लिख सकते हैं, क्योंकि जो टर्म आता है, हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि एच वाला जो टर्म आता है माइनस टू एच आएगा यहाँ पर, वो अगेन एस टेंडिंग टू जीरो है तो हम उसे जीरो मान लेते हैं, तो उसे लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है। माइनस टू इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, एच सिर्फ हम इस बात के लिए डिनोट कर रहे हैं कि अगर हम प्लस एच ले रहे हैं तो हम माइनस थ्री से थोड़ा आगे जो फंक्शन है, यानी माइनस थ्री प्लस में जो फंक्शन है उसमें वैल्यू निकालेंगे, और अगर हम माइनस थ्री माइनस एच में चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो माइनस थ्री से जो पहले फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे इस लिमिट का। तो अब जो डिफिनेशन है कंटिन्यूटी का, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, अगर हम उसे सी से नोट करें, यहाँ पर सी माइनस थ्री है, हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी सिक्स है, फंक्शन का वैल्यू भी सिक्स है, और राइट हैंड लिमिट भी सिक्स है, तो फंक्शन माइनस थ्री पर कंटिन्यूअस होगा। तो एक अभी तक हमें कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं मिला है, हम थ्री पर चेक करते हैं। तो अब अगर थ्री पर चेक करें एफ ऑफ, तो हम देख सकते हैं एफ ऑफ थ्री माइनस एच, पहले हम देखेंगे कि थ्री से जस्ट पहले, तो थ्री से जस्ट पहले फंक्शन एक्स लेस देन थ्री पर ये है माइनस टू एक्स, तो माइनस टू इंटू थ्री अगर हम पुट करें तो हमें फंक्शन का वैल्यू मिला माइनस सिक्स, और एफ ऑफ थ्री पहले फंक्शन का वैल्यू थ्री पर, तो थ्री पर फंक्शन देख सकते हैं इज इक्वल टू इस फंक्शन में इंक्लूडेड है, यानी थ्री इस फंक्शन पर वैल्यू हमें निकालना होगा, तो वो सिक्स एक्स प्लस टू है, सिक्स इंटू थ्री प्लस टू यानी ट्वेंटी, और हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है। तो कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी तीनों इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही कोई दो इक्वल नहीं है, हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू थ्री पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन का हमें एक पॉइंट मिला डिसकंटिन्यूटी का, एक्स इज इक्वल टू थ्री। क्वेश्चन नंबर एट में जो फंक्शन है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, अगर एक्स जीरो के बराबर नहीं है और
जीरो, अगर एक्स जीरो के बराबर है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉड एक्स बाई एक्स क्या क्या वैल्यू एज्यूम करेगा। तो ये अगर हम देख सकते हैं मॉड एक्स दो वैल्यू एज्यूम करेगा अगर एक्स निगेटिव है, और कोई और वैल्यू एज्यूम करेगा अगर एक्स पॉजिटिव है। मॉड एक्स को पहले अगर हम डिफाइन करें तो मॉड एक्स हम जानते हैं माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो और एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एक्स लेस देन जीरो है तो इस फंक्शन का वैल्यू माइनस एक्स बाई मॉड एक्स बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है, एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर है और एक्स एक्स है। तो हम देख सकते हैं ये मॉड एक्स बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स यानी माइनस वन के बराबर हो गया। और सिमिलरली एक्स मॉड एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा अगर एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स बाई एक्स यानी वन हो जाएगा अगर एक्स पॉजिटिव है। तो इस फंक्शन को अगर हम रीडिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन है अगर एक्स निगेटिव है, जीरो है अगर एक्स जीरो के इक्वल है, और वन है अगर एक्स पॉजिटिव है। और हमें इस फंक्शन का पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो क्लियरली हम जानते हैं जहां पर चेंज होता है फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं तो ज्यादा क्लियरली। इस फंक्शन को हम एक अलग नाम भी देते हैं, इसे हम सिग्नम फंक्शन बुक कहते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं। क्वेश्चन हम यहाँ पर तो तीन वैल्यू है, एक जीरो ले रहा है, एक ये वैल्यू ले रहा है जब एक्स जीरो है, तो ये पॉइंट है इस फंक्शन का, और जस्ट एक पॉइंट है, यानी न इसके राइट में ये कहीं कुछ और वैल्यू ले रहा है न लेफ्ट में, ये यहाँ पर जस्ट एक पॉइंट पर वैल्यू ले रहा है। हम देख सकते हैं जस्ट जीरो है, उसके अलावा कुछ नहीं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर सिर्फ एक पॉइंट है। इसे अगर अलग कलर से शो करें तो जस्ट ये एक पॉइंट ले रहा है, और उसके बाद माइनस वन अगर एक्स निगेटिव है। तो अगर हम माइनस वन यहाँ पर डिनोट करें कि ये माइनस वन है और यहाँ पर वन है, तो माइनस वन अगर एक्स निगेटिव यानी निगेटिव फॉर ऑल निगेटिव एक्स जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, विद जीरो नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर हम जस्ट शो कर सकते हैं बिग ओ से कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और फिर जीरो से लेकर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक माइनस वन है। उसी तरह जीरो पर जस्ट जीरो ले रहा है और फिर वन पर वन से लेकर इन्फिनिटी, अगेन एक्स पॉजिटिव एक्स के लिए, यानी अगर एक्स जीरो जा रहा है तो उसके लिए नहीं, तो ये नॉट इंक्लूडेड। तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक कंटिन्यूअस है, फिर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस है, लेकिन माइनस वन से वन के सॉरी जीरो से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस है, लेकिन जीरो पर हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन माइनस वन नहीं है, यहाँ से जंप करके जीरो हो रहा है और फिर उसके बाद वन पर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर नाइन में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, यहाँ पर मॉड एक्स डिनोमिनेटर में है अगर एक्स निगेटिव है, और माइनस वन अगर एक्स इक्वल टू जीरो है या फिर पॉजिटिव है यानी जीरो से बड़ा है। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक्स निगेटिव हो तो एक्स बाई मॉड एक्स क्या क्या वैल्यू हो जाएगा। तो हम अगर एक्स निगेटिव है तो जस्ट हमने अभी जैसे पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है, क्योंकि एक्स यहाँ पर निगेटिव है, लेकिन मॉड एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर हम माइनस ऑफ एक्स ले लें यानी माइनस ऑफ एक्स निगेटिव नंबर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है। तो अब अगर हम मॉड एक्स को माइनस एक्स यहाँ पर लिख देते हैं तो ये एक्स बाई माइनस एक्स हो जाएगा यानी माइनस वन। तो ये फंक्शन अगर हम एक रीडिफाइन करें तो माइनस वन फॉर निगेटिव एक्स और माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस वन के बराबर है फॉर ऑल एक्स, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के लिए। या फिर अगर हम इसे ग्राफ पर देखें तो अगर यहाँ पर जीरो है तो ये वैल्यू माइनस वन ले रहा है फॉर ऑल एक्स, निगेटिव के लिए भी और फिर जीरो के लिए भी और फिर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका कोई भी हम देख सकते हैं एक भी पॉइंट पूरे रियल नंबर्स के सेट पर एक भी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर एक्स लेस देन वन है, और एक्स प्लस वन अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से वन के इंटरवल में और वन से लेकर इन्फिनिटी के इंटरवल में, जो भी फंक्शन और वन इंक्लूडेड इस फंक्शन में, दोनों ही फंक्शन पॉलीनोमियल फंक्शन है, एक्स प्लस वन भी और एक्स स्क्वायर प्लस वन भी, जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो माइनस एक्स लेस देन वन के लिए फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए भी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। तो हमें चेक करना है जस्ट एक्स इज इक्वल टू वन पर, क्योंकि सिर्फ वहां पर फंक्शन चेंज कर रहा है। तो हम सिर्फ उसी पॉइंट्स पे चेक करते हैं जहां पे फंक्शन चेंज कर रहा हो
या फिर वो फंक्शन ऐसा फंक्शन हो जो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, लेकिन ये ऐसा फंक्शन नहीं, पॉलिनोमियल है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो अब हम जस्ट एक्स इक्वल टू वन पे चेक करेंगे। तो एक्स इक्वल टू वन पर अगर कंटिन्यूअस होना है तो हम कंडीशन जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ वन पर, ये इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम एफ ऑफ वन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फंक्शन वन पे हम देख सकते हैं कि इक्वल टू वन इस फंक्शन में इंक्लूडेड है, यानी फॉर एक्स इज इक्वल टू वन फंक्शन एक्स प्लस वन है, और एक्स लेस देन वन के लिए और ग्रेटर एक्स लेस देन वन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए भी वही फंक्शन है जो एक्स इज इक्वल टू वन के लिए एक्स प्लस वन। हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो एफ ऑफ वन एक्स प्लस वन हो जाएगा, जहाँ पे एक्स का वैल्यू वन है तो वन प्लस वन ये टू के बराबर। अब अगर हमें राइट हैंड लिमिट लेना हो तो हम एफ ऑफ वन प्लस एच देखेंगे, यानी फंक्शन उस फंक्शन में वन का वैल्यू पुट करेंगे जो वन के ग्रेटर देन वन के लिए हो। तो वन प्लस एच यानी ग्रेटर देन वन, तो एक्स प्लस वन, और एक्स में हम वन प्लस एच पुट करें या वन पुट करें वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि एच को हम फिर टेंड्स टू जीरो लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये टू प्लस एच है, जहां पर एच टेंड कर रहा है जीरो की तरफ तो ये टू हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव एच है, यानी हम एक्स वन के, जैसे ये नंबर लाइन है तो अगर वन यहां पर है तो हम इसके हल्का सा इस साइड देख रहे हैं पॉजिटिव साइड। और अब निगेटिव साइड देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ वन माइनस से, या फिर एफ ऑफ वन माइनस एच से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स प्लस वन ना हो गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर अगर हम वन माइनस एच डालें या फिर वन डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एच कंटेनिंग जो टर्म आएगा उसको हम ऐसे भी जीरो की तरफ टेंड करा देंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम वन पुट कर सकते हैं, तो अगेन हम देखें तो वन प्लस वन वन स्क्वायर वन हो जाएगा, या फिर वन स्क्वायर प्लस वन वन हो जाएगा, ये भी वन स्क्वायर वन प्लस वन टू। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ इस फंक्शन में भी डिसकंटिन्यूटी का एक भी पॉइंट नहीं है, ये हर एक जगह पर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये बराबर है एक्स क्यूब माइनस थ्री के अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू टू है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन के अगर एक्स ग्रेटर देन टू है। तो अगेन हम देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से टू के रेंज में एक्स अगर लेस देन टू है तो उसके लिए जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस थ्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री हर जगह कंटिन्यूअस होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके टू के रेंज में, और उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी टू से लेकर इन्फिनिटी तक हर जगह कंटिन्यूस होगा। तो हमें जस्ट टू पर चेक करना है क्योंकि वहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां पर अगेन हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। सबसे पहले अगर हम फंक्शन का वैल्यू चेक करें तो टू पर हम देख सकते हैं एग्जैक्ट टू पर अगर हमें फंक्शन का वैल्यू देखना है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू एक्स इज इक्वल टू टू पर भी यही फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो अब अगर हम टू का वैल्यू पुट करें टू क्यूब माइनस थ्री तो हम देख सकते हैं 8 माइनस थ्री 5 के बराबर है, और एफ ऑफ टू अगेन लेस देन के लिए भी सेम फंक्शन है जो इज इक्वल टू के लिए है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एक्स क्यूब माइनस थ्री ही हो जाएगा। देख सकते हैं एक्स लेस देन टू के लिए भी सेम फंक्शन है जो एक्स इज इक्वल टू टू के लिए है, तो हम उसी में वैल्यू पुट करेंगे, तो अगेन और टेंडिंग टू टू तो हम टू ही पुट कर सकते हैं, तो लिमिट में हम टेंड्स टू टू पे टू पुट कर देते हैं, तो टू क्यूब माइनस थ्री यानी 8 माइनस थ्री अगेन ये भी 5 के बराबर है, लेकिन ग्रेटर देन टू के लिए यानी राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन दूसरा है, और यहां पर लेकिन हम अगर पुट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब अगर इसमें हम एक्स का वैल्यू टू पुट करें तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस वन या फिर फोर प्लस वन फाइव के बराबर। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम है, तो यहां पर एक्स इज इक्वल टू टू पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो इस फंक्शन का कोई भी एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 10 माइनस वन, एक्स टू द पावर 10 माइनस वन अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन है, और एक्स स्क्वायर अगर एक्स ग्रेटर देन वन है। तो अगेन हम देख सकते हैं दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी से वन में और वन से इन्फिनिटी में कहीं एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह एवरीवेयर कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन एक्स इक्वल टू वन पर हम देख सकते हैं फंक्शन चेंज कर रहा है, तो वहां पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वहां पर हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स का मिल सकता है। तो अगर हम सबसे पहले एफ ऑफ वन पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू वन पर, तो वन पर फंक्शन एक्स टू द पावर 10 माइनस वन है, तो इसमें अगर हम वन पुट करें तो वन टू द पावर 10 माइनस वन, वन टू द पावर 10 वन है, वन माइनस वन जीरो, और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी इसे हम एफ ऑफ वन माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी वन से जस्ट पहले क्या है
जस्ट पहले वहां पर इनफाइनाइटेशनली स्मॉल क्वांटिटी पहले फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 1 से जस्ट पहले भी सेम फंक्शन है, लेस देन इक्वल्स टू, जो इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन है सेम हम देख सकते हैं लेस देन 1 के लिए, तो x टू द पावर 10 माइनस 1, तो हम 1 से जस्ट पहले देख रहे हैं तो हम इसे 1 से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, यानी x के बदले 1 का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो अगेन 1 टू द पावर 10 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। अब अगर हम f1 प्लस देखें, यानी 1 से जस्ट आगे, पॉजिटिव 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो हम देख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन चेंज कर जा रहा है, ये x स्क्वायर है ले, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 से जस्ट पॉजिटिव वैल्यू है तो हम अगेन x का वैल्यू 1 पुट करके x अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लिमिट हम इसी तरह अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो 1 स्क्वायर, तो ये 1 है। अब हम देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट 1 है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 0 है, जो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और बस यही एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा इस फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 13 में जो फंक्शन हमारे पास है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और एक्स माइनस 5 अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है, और अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम देख सकते हैं अगेन x प्लस 5 और x माइनस 5 जस्ट स्ट्रेट लाइंस है, तो ये अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलीनोमियल फंक्शन स्ट्रेट लाइन है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो x लेस देन 1 के लिए x प्लस 5 कंटिन्यूअस होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 5 कंटिन्यूअस होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन चेंज कर रहा है, तो यहां पर हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल सकता है। तो हम अगर यहां पर चेक करें x इज इक्वल टू 1 पर, तो अब अगर हम x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें लेना है, या फिर f ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ 1 माइनस 1 से जस्ट पहले, तो 1 से जस्ट पहले हम देख सकते हैं जो फंक्शन है वो x प्लस 5 है, और लिमिट निकालने के लिए हम x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो ये 1 प्लस 5 6 के बराबर हो जाएगा। और अब अगर हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है 1 पर, तो अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है x प्लस 5, ये x लेस देन 1 के लिए भी है और इज इक्वल टू 1 के लिए भी है, तो सेम फंक्शन f ऑफ 1 के लिए हो जाएगा, यानी x प्लस 5। तो अब अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, तो ये 1 प्लस 5 यानी 6 के बराबर हो जाएगा। और अब अगर हम इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालें x इज इक्वल टू 1 पर, यानी f ऑफ 1 प्लस, तो हम देख सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन x माइनस 5 है, तो ये फंक्शन x माइनस 5 हो जाएगा, जहां पर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 के बराबर हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यह 6 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट माइनस 4 के बराबर है, यानी फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये फंक्शन रियल नंबर्स के सेट पर, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डिस्कस करना है f ऑफ x की कंटिन्यूटी, जहां पर f ऑफ x फंक्शन हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि f ऑफ x 3 के बराबर है अगर x 0 से 1 के बीच में है, विथ 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड, यानी x इज इक्वल टू 0 पर भी f ऑफ x 3 के बराबर है, और x इज इक्वल टू 1 पर भी f ऑफ x 3 के बराबर है, और 4 है अगर x 1 से 3 के बीच में है, और f ऑफ x 5 के बराबर है अगर x की वैल्यू 3 से लेकर 10 के बीच में। तो अब तक हम जितना क्वेश्चन कर रहे थे ऑलमोस्ट सब में जो x की वैल्यूज थी, यानी डोमेन वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कैरी कर रहा था, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर जो डोमेन है वो जस्ट 0 से 10 में जा रहा है, और फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कुछ पीरियड के लिए f ऑफ x 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो हम आसानी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और वहां से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर उसमें कहीं पर ब्रेक लग रहा है। तो अगर यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ कहीं 3 हो जाएगा, और फंक्शन 0 से लेकर 10 तक है, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर f ऑफ x 10 है। तो अगेन ये एग्जैक्ट स्केल पर नहीं है, लेकिन जस्ट ग्राफ देख सकते हैं, ये 3 हो जाएगा y, y यहाँ पर 4 के बराबर और 5। तो अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें 0 से 1 में x के, तो x की वैल्यू जब 0 से 1 में वैरी कर रही है विथ बोथ 0 और 1 इंक्लूडेड, तो f ऑफ x 3 के बराबर है, तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, x इज इक्वल टू 0 भी और x इज इक्वल टू 1 भी। और जब x 1 से 3 में है तो f ऑफ x 4 के बराबर है, लेकिन यहां पर ये दोनों पॉइंट 1 और 3 एक्सक्लूडेड है, तो हम इसे O से डिनोट कर सकते हैं। और फिर जब x 3 से 10 तक वैरी कर रहा है विथ बोथ 3 एंड 10 इंक्लूडेड, तो f ऑफ x 5 के बराबर है। तो अब हम देख सकते हैं कि गिवन डोमेन में, यानी 0 से लेकर 10 तक में, फंक्शन दो जगह पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, दो जगह पर इस फंक्शन में ब्रेक लग रहा है, एक
एक्स इज इक्वल टू वन पर हम देख सकते हैं फंक्शन जंप कर रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री से फोर पर, और फिर एक्स इज इक्वल टू थ्री पर फंक्शन जंप कर रहा है फोर से फाइव पर। तो ये फंक्शन अपने डोमेन में यानी जीरो से लेकर टेन में हर जगह पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट दो पॉइंट्स, एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू थ्री, इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो एफ ऑफ एक्स है उसका हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अगर एक्स निगेटिव है यानी एक्स लेस देन जीरो, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर एक्स जीरो से वन के बीच में है विथ बोथ जीरो एंड वन इंक्लूडेड, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स अगर एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो हम देख सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन है 2x और 4x पासिंग थ्रू ओरिजिन और एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है जीरो। तो हम इसका आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद ये डिटरमाइन कर लेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, फंक्शन में ब्रेक लग रहा है। तो सबसे इजी और क्लियर अप्रोच थ्रू ग्राफ है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो एक पॉइंट जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा, हम किसी भी दो पॉइंट के थ्रू ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट जीरो कॉमा जीरो हो गया। दूसरा अगर हम एक्स माइनस वन लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स टू एक्स के बराबर है तो वाई माइनस टू हो जाएगा, तो ये पॉइंट दूसरा पॉइंट हो गया। तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना है इसमें अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या आप पहले भी क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से पास करेगा और हम देख सकते हैं इसमें ये x लेस देन जीरो के लिए यानी फॉर ऑल वैल्यू फॉर ऑल निगेटिव वैल्यूज ऑफ x माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, लेकिन जीरो इंक्लूडेड नहीं है। हमें हम देख सकते हैं जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। और फिर एफ ऑफ एक्स जीरो के बराबर है x जीरो इंक्लूडेड और वन तक विथ वन भी इंक्लूडेड, तो यहाँ पर x जीरो से वन तक, तो ये हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन स्केल थोड़ा हम डिफर कर रहे हैं, निगेटिव साइड माइनस वन कम डिस्टेंस है और इधर साइड वन है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट ग्राफ कैसा होगा इससे मतलब है ताकि हमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स डिटरमाइन कर सकें। और x ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन 4x है, तो अगर x 1 के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स 4x है यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 होगा, तो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियरली देख सकते हैं फंक्शन यहाँ पर जंप कर रहा है और डिसकंटिन्यूस होगा, तो फंक्शन 4x होगा और ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए 4x ही रहेगा यानी इसका स्लोप 4 होगा। तो फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर एफ ऑफ एक्स 8 के बराबर होगा, तो फंक्शन कुछ ये जो स्लोप है इसमें स्लोप का वैल्यू 2 है और यहाँ स्लोप का वैल्यू 4 होगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टीप क्लाइंब होगा इसका या कुछ इस तरह से जाएगा फंक्शन। तो जस्ट हमें फंक्शन के क्वालिटेटिव नेचर से मतलब है, एग्जैक्ट स्केल से कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस है, यहाँ पर ब्रेक नहीं लग रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू वन पर फंक्शन जंप कर रहा है, फोर प्लेसेस जंप कर रहा है, इसे हम जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन उससे देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और बाकी सभी वैल्यूज पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू वन, जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन हमारे पास है, हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन है, टू एक्स अगर x माइनस वन से वन के बीच में, माइनस वन नॉट इंक्लूडेड, माइनस वन यहाँ इंक्लूडेड है, से लेकर वन इंक्लूडेड, और टू अगर x ग्रेटर देन वन है। तो अब एक ये कि हम दोनों पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू चेक कर सकते हैं, और दूसरा मेथड यह है कि हम ग्राफ के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ग्राफ के थ्रू काफी क्वेश्चन अप्रोच कर चुके हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड से अप्रोच कर लेते हैं। आप दोनों मेथड से कंफर्टेबल हो जाए, जैसे अगर हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ग्राफ भी आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। हम देख सकते हैं माइनस वन के लिए माइनस टू कॉन्स्टेंट इस तरह का ग्राफ आएगा, फिर टू एक्स यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और फिर एक्स ग्रेटर देन वन के लिए कॉन्स्टेंट, तो वो हमें चेक करना होगा कि यहाँ पर जंप हो रहा है या फिर कंटिन्यूअस है। तो वो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मेथड से चेक कर लेते हैं। यानी पहले ये माइनस टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो इस ये अपने डोमेन में यानी माइनस इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक कंटिन्यूअस होगा, टू एक्स स्ट्रेट लाइन है तो ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, और टू अगेन कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जहां पर ये फंक्शन चेंज कर रहा है
माइनस वन पर और वन पर, वहां पर कंटिन्यूटी अब हमें चेक करनी होगी, क्योंकि वहां पर हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है ही, उसके लिए हमें चेक करना होगा। तो अगर हम माइनस वन पे चेक करें तो माइनस वन माइनस पे पहले चेक करें, यानी माइनस वन से जस्ट पहले, तो माइनस वन से जस्ट पहले फंक्शन हम देख सकते हैं माइनस टू है, अगर एक्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन है तो ये माइनस टू के बराबर है। और एफ ऑफ माइनस वन यानी माइनस वन पे फंक्शन का वैल्यू हम देख सकते हैं अगेन माइनस टू है, यहाँ पर इक्वल टू इंक्लूडेड है, एक्स लेस देन माइनस वन के लिए भी यही था और एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए भी फंक्शन का वैल्यू माइनस टू ही है। और अब अगर माइनस वन प्लस के लिए देखें, माइनस वन से जस्ट बड़े वैल्यू के लिए, तो हम देख सकते हैं जैसे ही एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन, फंक्शन टू एक्स हो जाता है। तो टू एक्स और एक्स की वैल्यू माइनस वन है, तो अगर हम माइनस वन पुट करें तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू भी माइनस टू के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों माइनस टू के बराबर है, तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन पर कंटिन्यू, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर कंटिन्यूअस है। और अब जो सेकेंड पॉइंट है, डिसकंटिन्यूटी जहां पर पॉसिबल है वो एक्स इज इक्वल टू वन है, तो अब हम वहां पर चेक करते हैं। तो वहां पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एफ ऑफ वन माइनस चेक करें तो हम देख सकते हैं वन से जस्ट पहले फंक्शन टू एक्स है, तो टू इंटू वन टू के बराबर, अगेन एफ इज एक्स इज इक्वल टू वन पे भी फंक्शन टू एक्स ही है, हम देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वन यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो ये भी टू इंटू वन टू के बराबर। और अगर हम एफ ऑफ वन प्लस लें यानी राइट हैंड लिमिट वन से जस्ट बिगर वैल्यू के लिए, तो हम देख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन टू के बराबर है, टू एक्स नहीं है लेकिन टू के बराबर है, तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों टू के बराबर है, तो एक्स इज इक्वल टू वन पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन अपने डोमेन में हर एक पॉइंट पर यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रियल नंबर के सेट पर कंटिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसे हम कुछ इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू थ्री है और बी एक्स प्लस थ्री अगर एक्स ग्रेटर देन थ्री है। और अब हमें कंडीशन बताना है या फिर रिलेशन बताना है ए और बी में, सच दैट ये फंक्शन जिसे हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस हो x इज इक्वल टू थ्री पर। तो अगर फंक्शन x इज इक्वल टू थ्री पर कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं f ऑफ थ्री ये बराबर होगा f ऑफ थ्री माइनस के यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होगा f ऑफ थ्री प्लस के। तो f ऑफ थ्री हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू थ्री, x लेस देन इज इक्वल टू थ्री, x इज इक्वल टू थ्री के लिए भी सेम फंक्शन है ax प्लस वन। तो a और x यहां पर थ्री है जिसे हम बाद में पुट कर सकते हैं या अभी पुट कर देते हैं कि a थ्री प्लस वन ये बराबर होगा एफ ऑफ थ्री माइनस के। अब अगेन एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए जो फंक्शन है भाई एक्स लेस देन थ्री के लिए भी फंक्शन है ए एक्स प्लस वन। तो अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू एफ ऑफ थ्री माइनस का पुट करते हैं तो अगेन हमें सेम इक्वेशन मिलेगा ए इंटू थ्री प्लस वन, तो ए इंटू थ्री प्लस वन ए इंटू थ्री प्लस वन के ही बराबर होगा, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों जस्ट सेम है यानी एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ थ्री माइनस एक बात है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये तीनों इक्वल होने का मतलब है कि एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ थ्री के बराबर है, क्योंकि एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ थ्री माइनस सेम चीज है ए एक्स प्लस वन। और अगेन हम देख चुके हैं कि एक फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू और लेस देन के लिए, तो हम सेम लिखेंगे वहां पर भी थ्री पुट करेंगे। और एफ ऑफ थ्री प्लस हम देख सकते हैं फंक्शन अलग है, यहाँ पर बी एक्स प्लस थ्री है, जैसे ही एक्स थोड़ा सा भी ग्रेटर देन हो रहा है थ्री से तो फंक्शन चेंज कर जा रहा है, वो बी एक्स प्लस थ्री हो जा रहा है। तो ये बी इंटू एक्स और एक्स हम जानते हैं थ्री है जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू थ्री पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो x की वैल्यू जैसे हमने यहाँ ax प्लस वन में थ्री पुट किया वैसे bx प्लस थ्री में थ्री पुट कर देंगे। तो अब हमें a और b के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, थ्री ए प्लस वन ये बराबर हो गया थ्री बी प्लस थ्री के, या फिर थ्री ए माइनस थ्री बी ये बराबर है थ्री माइनस वन के, या फिर हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी थ्री माइनस वन टू और डिवाइडेड बाई थ्री के बराबर है। तो ये ए और बी के बीच में रिलेशन हो जाएगा कि ए माइनस बी इज इक्वल टू टू बाई थ्री, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी प्लस टू बाई थ्री। तो अगर एक्स इज इक्वल टू थ्री पर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो ए और बी के बीच में ये रिलेशन होगा।